हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम पहुंच गए हैं हंगामा प्ले के लॉन्च पे, जहां हमें मिलने वाले कई सारे सितारे धब्बा के, और हम आज उनसे बात करने वाले हैं खास उनके किरदारों के बारे में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इसकी खास बात ये है कि थोड़ी एजी भी हैं, थोड़े सरप्राइजेस भी हैं, थोड़ी डिफरेंट भी हैं। लोगों के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा फॉर श्योर। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मेरे को तो रात भर नींद ही नहीं आई कि आज कि आज रिलीज है। मेरा पहला OTT डेब्यू है हिंदी में, सो आई वॉज लाइक एंड देन हंगामा प्ले पे आ रहा है, सो ऑल मिक्स्ड रिएक्शंस। बट जब अभी रिलीज के बाद मुझे सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, सो एंड आई एम हैप्पी पीपल आर शेयरिंग ऑल्सो, सो आई एम हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग इट। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड, मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये स्टोरीज जो धप्पा है, जो ये इसकी खास बात ये है कि थोड़ी एजी भी हैं, थोड़ी सरप्राइजेस भी हैं, थोड़ी डिफरेंट भी हैं। सो जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारा वो काम प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे ओपिनियंस हमारे भी आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसा होगा, कैसा नहीं आएगा, कैसा सुनने में आएगा, दोस्त देखकर क्या बोलेंगे, वैसा वाला। बट आई एम रियली एक्साइटेड। एक तो अनिल सर के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला, अनिल भी प्रोडक्शन में पहली बार काम करने का मौका मिला, और हंगामा प्ले के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला, तो दैट इज़ डेफिनेटली द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट सो फार। एंड स्टोरीज आर ब्यूटिफुल। ये पांच जो अलग अलग स्टोरीज, जो एक छोटे शहर की कुछ ट्विस्टेड इंटरेस्टिंग जो चीज़ें सिचुएशंस होती हैं उन पर बनाई गई हैं, और उसमें उन्होंने अपना जो एक तड़का दिया है, जो धप्पा दिया है, दैट इज़ वेरी वेरी। स्टोरीज सारे बहुत रिलेटेबल है, और लोगों के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा फॉर श्योर। सो कुछ एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। करेंगे, आई थिंक एक्सेप्ट करेंगे, बहुत प्यार करते हैं सभी हमसे। एंथोलॉजी शो है, कई सारे किरदार जुड़ गए हैं इस शो के जरिए, तो एंथोलॉजी शो करना और आपको लोगों को पर्सनली एंथोलॉजी शो देखना और करना कितना पसंद है? आई थिंक एंथोलॉजी शोज बहुत अभी इन है, क्योंकि ट्रेंडिंग है, इसलिए क्योंकि आपको हमेशा अभी तो फिल्म्स में भी फिल्म के अंदर भी पांच स्टोरीज ऐसे है, ऐसे हुआ है जैसे लूडो में। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत जस्ट 20-23 मिनट्स का एक एक एपिसोड है, तो पीपल उसी वक्त देख के उसी वक्त क्लाइमैक्स भी देखने पा रहे हैं। अदरवाइज कभी कभी ऐसे सीरीज होते हैं कि यू नो 10 एपिसोड्स, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत टाइम लेके देखते हैं, मतलब 2-3 दिन में एक सीरीज ख़त्म करते हैं। सो तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है लोगों के पास शॉर्ट स्टोरीज पहुँचाने का, एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। अभी आज इनसे पहली बार मुलाकात हुई है, इसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी स्टोरी में क्यों नहीं थी। सो अभी तक वी हैव नेवर गॉटन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ईच अदर, बट नाउ सिंस दिस थिंग डेफिनेटली दिस इज, जैसे आजकल हम बोलते हैं लोगों के पास वक्त बहुत कम रहता है, बहुत लोग बिजी रहते हैं, तो ये दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ अ शो टू वॉच, कि आपने एक बार एक देख के एंडिंग खत्म कर ली, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स की आप बोला कि क्या होगा क्या होगा, तो फिर मैं बहुत रेस्टलेस रह जाता हूँ। मैं लास्ट वाला एपिसोड भी देख लेती हूँ अगर, मतलब मैं भी बहुत बार करता हूँ कि स्ट्रेस खत्म हो जाए कि क्या हो गया, हाँ वो वाला। सो हम लोग वैसे वाले, तो ये इसकी खास बात है। और जैसे कि बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स भी हैं, सीरीज भी हैं, जिनमें ऐसा इसी पैटर्न पे बनी हुई हैं, वो मुझे हमेशा से बहुत पसंद रही हैं, सो आई एम श्योर दैट पीपल आर गोना लाइक दिस आल्सो। पर इसका मतलब ये नहीं है, जो प्रॉपर अगर फुल 1-10 एपिसोड्स का सीरीज भी अगर मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जब वो करेंगे तो उसको तब प्रमोट करेंगे ना, उस समय ऐसा होगा कि हम 10 एपिसोड्स में दिख रहे हैं, सो यू कैन यू नो एक्सप्लोर मोर एक्टिंग। नहीं, वो तो डेफिनेटली बेटर है, मोर मनी आल्सो, मोर मनी आल्सो। ऐसे शोज के पार्ट रहे हैं जिन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया है टीवी पे, सो हम जब ट्रैवल करते हैं तब पता चलता है। सो OTT डेफिनेटली हैज देयर ऑडियंस, पर टेलीविजन की खुद की भी वो ऑडियंस है और रहेगी हमेशा। और कई जगह ऐसी है अभी भी जहाँ पे इंटरनेट
इतना स्ट्रांग नहीं है अभी भी, तो डेफिनेटली वहाँ पे OTT इतना लोग नहीं देख पाते हैं, सो टेलीविजन के जरिए ही उनका एंटरटेनमेंट होता है. तो सबका अलग अलग ऑडियंस है, एंड आई थिंक जो टेलीविजन ऑडियंस है वो OTT भी देखते हैं, सो इट्स बैलेंस्ड. एंड जैसे कभी भी फिल्म देखने गए, वैसे कभी सीरीज देख लिए, कभी TV देख लिए, तो अलग अलग, और हर आई थिंक हर एक जगह का अलग अलग कंटेंट भी है, सो उस हिसाब से आई थिंक एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड हमेशा. अगर आप दोनों के किरदार के बारे में बात किया था, तो आप दोनों को पर्सनली अपने किरदार की कौन सी अच्छी बात लगती है, नो व्हाट सेक्रेट अबाउट योर कैरेक्टर? मेरे लिए तो जो आनंद है जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत दिल की सुनता है, जो मैंने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी में किया है, उसे जिस तरह से जीना है उस तरह से जीता है. ऑफकोर्स अगेन मुश्किल परेशानियाँ ट्विस्ट आते हैं, एंड द वे यू ओवरकम एवरीथिंग, वो आनंद भी करता है और मैं भी करता हूँ, दैट्स वेरी स्पेशल. मेरा जो किरदार है वो मीरा है, तो मीरा एक हाउसवाइफ है, और जो वो काम भी करती है, शी इज़ अ टीचर, और वो अपने हस्बैंड जो दिशांक प्ले कर रहा है, दिशांक से बहुत प्यार करती है बस बहुत प्यार करती है, विच इज़ मतलब रियल लाइफ में भी ऑब्वियसली आई लव माई हस्बैंड वेरी मच. और तो हम लोगों का मतलब स्टोरी में ऐसा है कि मतलब वो इतना ज़्यादा वर्क में ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाता है, तो इस वजह से थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और फिर कैसे कैसे मोहित आता है जो मेरा स्टूडेंट रहता है, और एक उसी में एक रात की बात है जिसमें धप्पा हो जाता है. तो मुझे तो जब से मैं इनको जानता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी सिमिलैरिटी इनकी कैरेक्टर में और इनमें अभी तक यही है कि ये अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है. That's the only thing that I've realized. और नहीं, बट वो सीरीज में भी वो काफी सॉर्टेड है, सिंपल है. That's what ना कि प्यार is the fact, मतलब वो है कि उधर भी प्यार है, इधर भी प्यार है. तो ओटीटी पर इसमें कई सारे चेंजेस आए, नो इवन स्मॉल गाय का वीक प्ले अ वीक इंपैक्ट. हां हां हां, सो डू गाइस बिलीव इन स्क्रीन टाइमिंग और अ कैरेक्टर? इट डिपेंड्स, कभी कभी स्क्रीन टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप और डिपेंड करता है किस तरह की स्टोरी है. जैसा आपने कहा कि कुछ बहुत सारे ऐसे शो हैं, मुझे एक जो कैरेक्टर है वो मेरे जहन में हमेशा से बसा रहता है, इफ़ यू हैव सीन जाने तू या जाने ना, उसमें मुझे भी याद है, मुझे लगता है शायद मैंने ही नोटिस किया, उसमें प्रतीक बब्बर स्टूड आउट सो वेल, क्योंकि वो इतना छोटा सा कैरेक्टर, कुछ सीन थे बट उसके बाद से ही उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन वो सबने उनको पॉइंट आउट किया था फिल्म के अंदर. तो कभी कभी आप छोटे कैरेक्टर से भी बहुत बड़ा हंगामा मचा देते हैं, और कभी कभी आप पूरी उसमें भी रहते हैं, तो भी कुछ आप किस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के आप कर रहे हो, तो आप बहुत ही एक अच्छी प्रोजेक्ट है, लाइक वहाँ पे आप अगर जाके आप इतना सा भी कर रहे हो एंड वो बहुत चल गई, लाइक हमारे इस सीरीज में तो मतलब हर कोई विल बी नोटिसेबल, सो वैसा होता है. मैसेज तो यही है, आप लोग सब धप्पा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आप लोगों को मज़ा आने वाला है आफ्टर सीइंग दिस होल सीरीज, और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स को आप लोग एक साथ देख पाओगे एक ही सीरीज में. सो ये इसीलिए भी देखना है क्योंकि आजकल वैसे भी थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ है, यू नो, थोड़ा बहुत मतलब लाइट कॉमेडी और उसके साथ स्टोरी, उसके साथ सारा कुछ मज़ा आना, मतलब थोड़ा धप्पा, थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा हर इंसान को थोड़ा मसाला पसंद है, सो वो मसाला आपको धप्पा में मिलेगा हंगामा प्ले पर, और आई एम श्योर कि आप बहुत इन्जॉय करेंगे. एवरी स्टोरी इज डिफरेंट, एवरी स्टोरी इज वंडरफुल, सो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, प्लीज़ देखिएगा. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय. ये था हमारा स्पेशल सेगमेंट सभी सितारों के साथ. आप हमें बताइए आपको कितना पसंद आया कमेंट करके, और फिर मिलेंगे इन कई सारे सितारों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए IWM बस, और सब्सक्राइब कीजिए IWM बस यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया और कई सारे. थैंक यू सो मच.